नमस्ते। आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा, बहुत ही टेस्टी और कुछ नए तरीके से, नए स्वाद में। लौकी का हलवा ठंडियों में हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लौकी तो सभी को खाना चाहिए। लौकी बहुत ही हेल्दी होती है। बहुत सारी इसकी रेसिपी बनती है, सब्जी, कोफ्ता, बर्फी, मिठाइयाँ, रायता, जो भी बनाइए। लौकी हेल्थ के लिए हमारे बहुत अच्छा होता है। तो आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है 300 ग्राम लौकी, और एकदम मुलायम वाली हमें लौकी लेनी है। बहुत मोटी बड़ी वाली लौकी नहीं लेनी है। और इसे अच्छे से छिलनी से मैंने छिलका निकाल दिया है, ये देखिए। और नीचे ऊपर का दोनों भाग मैं काट के निकाल दूंगी और छिलका और वो फेंक दूंगी। ये देखिए, मैं काट के दिखाती हूँ। एकदम काकड़ी की तरह मुलायम है, ज़रा भी इसमें बी नहीं है। और मैंने लिया है कद्दूकस। इसमें तीन भाग है, मीडियम, बारीक और मोटा। तो मुझे मोटे वाले भाग से इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। मोटा वाला भाग से जो लच्छे हैं मोटे मोटे निकलते हैं। इसका हलवा हर एक एक लच्छे में स्वाद आता है मुँह में जाने के बाद। और इसे हमें दो तीन बार पानी से अच्छे से धो लेना है साफ से। और नीचे एक और बर्तन ले ली हूँ, और उसके ऊपर चालन रख करके सारे लौकी को छान के पानी में से मैं रख दूँगी। 10 मिनट इसे छोड़ूंगी, सारा पानी एक्स्ट्रा जो है लौकी में से सब निकल जाएगा। अब गैस चालू करके मैंने पैन चढ़ा दिया है। पैन में डाला है 1 चम्मच देसी घी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा मैं उसमें डालूंगी 10-12 बादाम। आप मन चाहे ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन लौकी के हलवे में पिस्ता और बादाम बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो मैंने इसे गोल्डन होने तक भून लिया है। अब भून करके इसे निकाल ली हूँ। अब फिर से मैं डालूंगी 2 चम्मच देसी घी। घी लौकी के हलवे में स्वाद बहुत ही उभर के आता है, तो घी डालने में ज़रा भी कंजूसी ना करें। अब सारी लौकी को मैंने डाल दिया है। अब इसे चला करके लौकी को हलवे को मुझे फास्ट आंच पे बनाना है, तो 5 मिनट गैस को फास्ट ही मुझे रखना है। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हमारा लौकी पक गया है और एक्स्ट्रा जो पानी था वो जल गया है। और हमें फास्ट आंच पे ही हलवा बनाना है। अभी शुरू से भी लास्ट तक हमारा गैस फास्ट ही रहेगा। और चलाते हुए मैं हलवे को बनाऊंगी। पानी सारा सूख गया था। अब इसमें मैं बड़े कप से 1 कप दूध डाले हूँ। 1/2 लीटर दूध में थोड़ा ही दूध कम है। और उसमें मैं डाल दी हूँ, कोशिश करें कि जितना लौकी है उतना ही दूध डालें। तो मैंने उतना ही दूध डाला है, 300 ग्राम हमारा लौकी है, तो 300 मिलीलीटर मैंने दूध डाला है। और 200 ग्राम मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी 200 ग्राम डालें, जितना लौकी था उससे थोड़ा कम हमें डालना है। तो 200 ग्राम मैंने वजन से चीनी डाला है। इतने में एकदम परफेक्ट मीठा होगा और बहुत ही स्वादिष्ट ये हलवा होता है। चलाते हुए ही हमें पकाना है ताकि चीनी अच्छे से पिघल जाए और जो एक्स्ट्रा इसकी चाशनी है वो सब जल जाए। 10 मिनट लगता है हमें चाशनी पकाने में। ये देखिए, एकदम सूख गया है। 1/2 घंटे में हमारा हलवा बहुत ही स्वादिष्ट। अब फिर से मैं डालूंगी 2 चम्मच देसी घी। अगर 300 ग्राम लौकी है तो जैसे मैंने सारे मेजर बताया वैसे ही 50 ग्राम देसी घी ले लीजिए और 3 बार में इसमें डालिए। 7-8 इलायची का पाउडर मैंने डाला है। और इसे चलाते हुए ही हमें अभी भी 2 मिनट पकाना है। अब इसमें मैं डाल दूंगी भुना हुआ बादाम जो मैंने भून के निकाला था। अब इसे अच्छे से चलाऊंगी। एकदम हलवा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा होगा। ये देखिए, चलिए फटाफट हम इसे सर्व करते हैं और गर्मा गर्म खाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, कितना कलर सुंदर आया है। और ठंडियों में लौकी का हलवा बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब मैं इसे पिस्ता से गार्निशिंग करूँगी। बारीक, एकदम बारीकी से मैंने पिस्ता भी कद्दूकस कर लिया था। उसे डाल करके मैंने सर्व किया। कैसी लगी हमारी ये रेसिपी? अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर बनाइए ठंडियों में लौकी का हलवा और खाइए, अपनों को खिलाइए। अगर पसंद आया तो अपनों के साथ शेयर कीजिए। जल्द लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।